वेलकम बैक फ्रेंड्स, वीकेंड गार्डनिंग एंड टूरिज्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये है मेरा सदाबहार का प्लांट। दोस्तों सदाबहार में काफ़ी वैरायटियां आती है, अलग कलर के फूल आते हैं। आप इस प्लांट को नर्सरी से भी परचेज कर सकते हो और अपने घर पर ग्रो कर सकते हो। ये मैं आपको सीड दिखा रहा हूँ, इसकी एक फली लगती है जिसके अंदर इसके बीज होते हैं। आप इससे भी ग्रो कर सकते हो, वो भी एकदम आसानी से। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप सदाबहार के प्लांट के प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हो, इनके बीज कैसे उगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं विपिन गार्डनिंग एंड टूरिज्म। तो दोस्तों ये मैं 3 से 4 फली ले रहा हूं, इनको मैं धूप में रख रहा हूं। लगभग 2 से 3 घंटे के बाद इनके जो सीड है वो बाहर आ जाएंगे। दोस्तों इन्हें धूप में रखे हुए 2 घंटे हो गए और आप देख सकते हो जो इनके सीड है वो बाहर आ चुके हैं। ऊपर की जो फली थी वो सूख चुकी है, ये देखिए नन्हे नन्हे काले काले इसके अंदर सीड रहते हैं। आज मैं इनको जर्मिनेशन करने का आपको तरीका बताने वाला हूँ। ये देखिए मैंने सबके सब सीड है वो बाहर निकाली है। एक फली के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा बीज होते हैं और ये मैं उठा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों छोटे छोटे काले काले इसके जो बीज हैं, आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। ग्रो करने का तरीका है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये दो दोस्तों मैं डिस्पोजल के गिलास ले रहा हूँ, इनके अंदर गार्डन सोइल मेरी भरी हुई है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने 50% कोकोपीट और 50% गार्डन सोइल का यूज किया है, ये देखिए। और इसके अंदर मैं इनको ग्रो करने वाला हूँ। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप साधारण गार्डन सोइल में भी इन्हें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रख देता हूँ और जो सीड है दोस्तों हमें इसके ऊपर बिखेरने हैं। ये देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस मिट्टी के सिर्फ हमें ऊपर डालना है, उसके बाद हल्की हल्की मिट्टी इनके ऊपर छिड़क देनी है ताकि जो हमारे सीड है वो मिट्टी के अंदर चले जाएँ। ये देखिए मैं इसके ऊपर हल्की हल्की जो गार्डन सोइल है वो डाल रहा हूँ, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और इसी तरीके से दूसरे जो डिस्पोजल है उसके ऊपर मैं डाल देता हूँ ताकि जो इनके सीड है वो मिट्टी के अंदर चले जाए। दोस्तों गर्मी में इन्हें ग्रो करने का तरीका अलग है, सर्दी में अलग है, तो दोनों ही तरीके मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। हमारे सीड लग चुके हैं, अब हमें इनमें वाटरिंग करनी है। तो मैं इनको हल्का हल्का पानी दे देता हूँ इस फुहारे की सहायता से। दोनों के दोनों गिलासों में मैं हल्का मॉइस्चर हो जाए इतना पानी दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों इसको मैंने पानी दे दिया है और लगभग 75% जो हमारी गार्डन सोइल है वो गीली हो चुकी है। और इस गिलास के नीचे ड्रेनेज होल भी है, अगर एक्स्ट्रा पानी होता तो वो नीचे निकल जाता। दोस्तों अगर गर्मी में आप इन्हें जर्मिनेशन कर रहे हो तो आप कोई भी प्लास्टिक का जार ले और इन्हें इसके अंदर रख दें लगभग 2 से 3 दिन ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो ख़त्म न हो। गर्मियों में ज़्यादा धूप और ज़्यादा गर्मी होने के कारण इनका मॉइस्चर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ग्रो होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये 2 प्लास्टिक के जार ले रहा हूँ, इनके अंदर मैंने दोनों गिलासों को रख दिया है और इनके ऊपर जो ढक्कन है वो लगा देता हूँ ताकि इनके अंदर जो वाष्पीकरण है उसके कारण जो पानी है वो बाहर न निकले और इन्हें हमें शेडी एरिया में छोड़ देना है। अगर आप इन्हें बारिश के या सर्दियों के सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो ये जार डालने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें बिना जार के बाहर रख सकते हैं, आपका जो सीड है वो आसानी से ग्रो हो जाएगा। दोस्तों आज है 5वां दिन और 5वें दिन का रिजल्ट आप देख सकते हो, हमारे जितने भी सीड थे वो सबके सब जर्मिनेशन हो चुके हैं, ग्रो हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों नन्हे नन्हे जो प्लांट है वो मिट्टी से बाहर आ चुके हैं, हमारे गार्डन सोइल से बाहर आ चुके हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा दोस्तों, हमारा जो सदाबहार के प्लांट का जर्मिनेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों अभी आप देख सकते हो इन गिलासों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लांट है, तो इतने ज़्यादा प्लांट इसके अंदर ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो जितने भी एक्स्ट्रा
पौधे हैं वो उनको सबको मैं बाहर निकाल देता हूँ, उखाड़ देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन गिलासों के अंदर मैं एक एक पौधा छोड़ने वाला हूँ ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक चिमटी की सहायता से मैं इन सभी एक्स्ट्रा पौधों को उखाड़ देता हूँ, सिर्फ एक ही पौधा इसके अंदर रखने वाला हूँ। ये देखिए इनकी जो रूट्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी डिवेलप हुई है। ये देखिए दोस्तों, जो हमारे सीड है वो 5 दिन में बाहर 2-2 पत्ते आ चुके हैं और इनकी रूट्स है वो भी अच्छी खासी डिवेल्प हो चुकी है। तो फटाफट मैं इन सभी प्लांटों को उखाड़ देता हूँ और इसके अंदर एक ही पौधा रखने वाला हूँ और उसके बाद जो इसकी ग्रोथ होने वाली है उसका भी मैं रिजल्ट आपको डिस्प्ले करने वाला हूँ। ये देखिए काफ़ी लंबी इनकी स्टेम हो चुकी है। दोस्तों लगभग सभी मैंने पौधे उखाड़ दिए हैं, इसमें ये दोनों पौधे एक ही सीड से निकले हुए हैं, तो इसको ऊपर से मैं कट कर रहा हूं पहले एक पौधे को ताकि दूसरे को नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ दिन के बाद रिजल्ट के साथ। दोस्तों आज है 10वां दिन और 10वें दिन का रिजल्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्हें सेमी शेडी एरिया में छोड़ा हुआ था तो इनके धूप जो सुबह सुबह की लग रही है 2 घंटे की, हमारे प्लांट भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, 4-4 पत्ते इनके हो चुके हैं। दोस्तों लगभग 23 से 24 दिन हो गए हैं हमारे जो सीड है वो ग्रो किए हुए और आप प्लांट देख सकते हो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मैंने इस गिलास के अंदर काफ़ी ज़्यादा बीज ग्रो किए थे, सभी के सभी जर्मिनेशन हुए हैं, सिर्फ एक एक पौधा इसके अंदर रखा है ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो पर्याप्त मात्रा में हो सके। और जो आप रिजल्ट है वो आप सामने देख सकते हो, काफ़ी सक्सेस जो हमारा तरीका है वो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप सदाबहार के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, सर्दी हो या गर्मी दोनों तरीके मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।